हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधायक मेवाराम जैन ने खत लिखकर प्रेषित की बधाइयां, बोले शादियों में नहीं करूंगा शिरकत। थार नगरी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक मेवाराम जैन ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत अब वो अप्रैल और मई महीने में होने वाली शादियों में शिरकत नहीं करेंगे। बाड़मेर जिले में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। जिले में करीब 1500 से भी अधिक एक्टिव केस हो गए हैं। ऐसे में कोरोना की वजह से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक मेवाराम जैन ने ये फैसला लिया है कि अप्रैल और मई महीने में होने वाली शादियों में वो शिरकत नहीं करेंगे। विधायक मेवाराम जैन के अनुसार जिस तरीके के हालात हैं, वो यकीनन चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि मेरे पास इस समय 100 से अधिक शादी समारोह के निमंत्रण के कार्ड पहुंच चुके हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए मैंने वर वधु एवं आयोजकों को लिखित बधाई संदेश प्रेषित कर शुभकामनाएं देने के साथ ही उनसे कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। विधायक मेवाराम जैन के अनुसार जिस तरीके के हालात हैं, वो यकीनन चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि मेरे पास इस समय 100 से अधिक शादी समारोह के निमंत्रण के कार्ड पहुंच चुके हैं। विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से बाड़मेर के हालात बिगड़े हैं, मैं लगातार अस्पताल और प्रशासन के अधिकारियों के साथ रोज घंटों बैठकें कर रहा हूं। मुझे पता है कि किस तरीके से हालातों से वाकिफ हूं। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाली शादियों की बम्पर सीजन में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसलिए आज से मैंने शादी समारोह में नहीं जाने का फैसला लिया है, ताकि लोग भी समझें और आगामी दिनों में होने वाली शादी समारोह में भीड़ भाड़ नहीं करें, अन्यथा हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो सकते हैं। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन पिछले कई दिनों से लगातार अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। विधायक को इस बात की बड़ी चिंता सता रही है कि आगामी दिनों में जिले में बम्पर शादियां हैं, अगर लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो हालात पूरे तरीके से खराब हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस बात की शुरुआत की है कि मैं शादी समारोह में नहीं जाऊंगा और आम जन से भी अपील करता हूं कि शादियों में नहीं जाएं और भीड़ भाड़ के इलाके से बचें और मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम सब मिलकर कोरोना की इस जंग को जीत सकेंगे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।